उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपने पति को रस्सी से चारपाई में बांधकर कुल्हाड़ी से काट डाला। इसके बाद शव के 5 टुकड़े किए और उन टुकड़ों को गांव के पास नहर में फेंक दिया। पुलिस शव के टुकड़ों की तलाश के लिए गोताखोरों की मदद ले रही है। वैसे देर रात तक शव बरामद नहीं हुआ, लेकिन पुलिस का कहना है कि महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आपको बता दें, घटना के बाद इस इलाके में सनसनी फैल गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक थाना गजरौला क्षेत्र के ग्राम शिवनगर का निवासी 55 साल का रामगोपाल मंगलवार सुबह से लापता था। रामपाल उसकी पत्नी दुलारो देवी के बीच विवाद होता रहता था। दुलारो देवी की दोस्ती उसके पति रामपाल के दोस्त से हो गई थी, मगर कुछ दिन पहले महिला उसी के पास जाकर रहने लगी थी। एक महीने पहले ही वो गाँव आई थी और बीते बुधवार को दुलारो देवी ने बेटे को बताया कि उसके पिता घर पर नहीं है। इस पर बेटे ने अपने पिता को लापता होने की इत्तला बुधवार को ही गजरौला थाने में दी। बेटे ने यह भी पुलिस को बताया कि उसकी मां कुछ दिन पहले ही आई है। इसको लेकर पुलिस को दुलारो देवी पर शक हुआ। पुलिस ने शक के आधार पर गुरुवार दोपहर बाद दुलारो देवी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पहले तो वो बात को घुमाती रही, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करी तो उसने अपने पति की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। दुलारो देवी ने पुलिस को बताया कि रविवार रात उसने अपने पति को सोते समय चारपाई से बांध दिया, फिर कुल्हाड़ी से काट कर शव के 5 टुकड़े कर दिए। इसके बाद टुकड़ों को गांव के पास नहर में फेंक दिया। दुलारो देवी की निशानदेही पर देर शाम नहर में रामपाल के खून से सने कपड़े और बिस्तर पुलिस ने बरामद कर लिया। इस मामले पर CEO अंशु जैन ने बताया कि शव के टुकड़े अभी बरामद नहीं हुए हैं, हालांकि नहर के पानी को बंद कर दिया गया था। गोताखोर तलाश में जुटे हैं और आरोपी महिला ने बताया है कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता था, जमीन गिरवी रख दी थी और बेटी की शादी करनी है। उसने अकेले ही रविवार को पति की हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस इन सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और हत्या में और कौन शामिल है, हत्या की असली वजह क्या है, इन सब बातों का पता लगाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।